हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाकर चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है जल्दी दबा लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे। ठीक है, आज एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल जैसे LEC, UDC, NTPC, ग्रुप डी, CGL, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे सवाल मतलब कि आते हैं जिससे स्टूडेंट जो है गलत करके आते हैं। ठीक है, आज इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, देखिए। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन है, उसके लिए हमने ट्रिक बनाया है गाये पद्र आसुरेदी। क्या ट्रिक है? गाये पद्र आसुरेदी, ये सब क्या है? ये प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, गा का मतलब होता है गामा किरण, गा का मतलब क्या होता है? गामा किरण। ए का क्या मतलब होता है? ए का मतलब होता है एक्स किरण। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एक्स किरण। ठीक है, प का मतलब क्या होता है? प का मतलब होता है परावैगनी किरण। प का मतलब क्या होता है? परावैगनी किरण। द्र का मतलब होता है दृश्य किरण, द्रा का मतलब होता है दृश्य किरण। आ का मतलब क्या होता है? आ का मतलब होता है अवरक्त किरण, आ का मतलब क्या होता है? अवरक्त किरण। ठीक है, सु का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म तरंग। रे का मतलब क्या होता है? रेडियो तरंग, रे का मतलब क्या होता है? रेडियो तरंग। दी का मतलब क्या होता है? दी का मतलब होता है दीर्घ तरंग, दी का मतलब क्या होता है? दीर्घ तरंग। यानी कहने का विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन है? गा से होता है गामा किरण, ए से होता है एक्स किरण, प से होता है परावैगनी किरण, द से होता है दृश्य किरण, अ से होता है अवरक्त किरण, सु से होता है सूक्ष्म तरंग, रे से तो होता है रेडियो तरंग, और दी से होता है दीर्घ तरंग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग में जितना भी आता है सबका वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में जितना भी आता है सबका वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी प्रकाश का वेग कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को जो है शेयर कीजिए। धन्यवाद।